ये तीनों तस्वीरें तीन अलग अलग देशों की है और इन तीनों तस्वीरों में दिख रहे क्रूज पर सवार लोगों की मुश्किलें कोरोना वायरस ने बढ़ा दी हैं। दरअसल हांगकांग और जापान के क्रूज पर सवार लोगों को फिलहाल क्रूज से बाहर नहीं निकलने का आदेश है, जबकि कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक आदेश इटली में क्रूज पर सवार लोगों के लिए जारी किया गया था। इटली और जापान के बाद हांगकांग ने क्रूज पर सवार 1800 यात्रियों को क्रूज से बाहर नहीं निकलने का आदेश जारी किया है। पहले क्रूज पर सवार सभी लोगों की मेडिकल जांच की जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है क्रूज पर मौजूद 30 यात्रियों को बुखार है। हांगकांग प्रशासन को शक है कि क्रूज पर सवार कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। तो वहीं जापान के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिस क्रूज के यात्रियों को अलग रखा था उनमें से कम 10 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। जापान के इस क्रूज को कोरोना वायरस के डर से बंदरगाह पर ही छोड़ दिया गया है। इसमें 2500 यात्री और 1000 क्रू मेंबर सवार हैं। यहां भी पहले सभी यात्रियों की मेडिकल जांच की जाएगी, इसके बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा। कुछ दिनों पहले इटली के कोस्टा क्रोसियर नाम के क्रूज पर सवार 6000 यात्रियों की मुश्किलें भी तब बढ़ गई थीं जब क्रूज पर सवार सभी लोगों को क्रूज पर ही रोक दिया गया था, क्योंकि क्रूज पर सवार 2 चीनी नागरिकों में कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा था, जिसके बाद सभी यात्रियों को मेडिकल जांच से गुजरना पड़ा था।